हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CFA रोड मैप फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर पर्सुइंग ग्रेजुएशन। तो अगर आप BCom या BBA कर रहे हैं जो कि 3 ईयर कोर्स है, तो आप CFA लेवल 1 का पेपर दे सकते हैं अपने सेकेंड ईयर में, आप CFA लेवल 2 का पेपर दे सकते हैं अपने थर्ड ईयर में, एंड वंस यू आर ग्रेजुएट तो आप लेवल 3 का पेपर दे सकते हैं। सो एक बच्चा जब 19 ईयर्स का होता है तो वो एक सेकेंड ईयर में होता है, तब आप अपना लेवल 1 का पेपर दे सकते हैं। जब आप 20 ईयर्स के होंगे तब आप अपना लेवल 2 का दे सकते हैं, एंड वंस यू आर 21 तब अपना लेवल 3 का पेपर दे सकते हैं। सेम वाइज कुछ बच्चे BTech कर रहे हैं जो कि 4 ईयर प्रोग्राम है, तब आप लेवल 1 का पेपर दे सकते हैं अपने थर्ड ईयर में, अपने फाइनल ईयर में आप दे सकते हैं सेकेंड ईयर का पेपर, एंड फाइनली आप ग्रेजुएट हो जाते हैं तो आप लेवल 3 का पेपर दे सकते हैं। सो पॉइंट टू बी नोटेड, लेवल 3 आप तभी दे सकते हैं जब आप एक ग्रेजुएट हैं। सो अनदर पॉइंट टू बी नोटेड इज कि गैप बिटवीन 2 अटेम्प्ट्स शुड बी ऑफ 6 मंथ्स। तो मानते चलते हैं कि आप लेवल 1 का पेपर फेब 2024 में दे रहे हैं, तो आप लेवल 2 का पेपर अगस्त 2024 से पहले नहीं दे सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से एक बच्चा जो ग्रेजुएशन परस्यू कर रहा है अपने CFA की जर्नी को प्लान कर सकता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।